विकास के नाम पर बिल्डिंगें तो खड़ी हो रही है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर वो बिल्डिंग स्कूल की खड़ी हो रही है तो उसमें शिक्षक नहीं है। मैं ये कह रहा डॉक्टर नहीं है उस अस्पताल के अंदर, एक्सरे मशीन नहीं है उस अस्पताल के अंदर, वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है जहाँ पर अगर कोई थोड़ा सा गिर कर किसी के पांव में मोच आ जाए तो उससे भी दूसरी के सब धराधर के दौड़ लगाने पड़ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो ये लड़ाई है, आज ये उत्तराखंड के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो तीन बार की सांसद है, तीन बार की सांसद होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ, या आप लोग देख लीजिए कि वो उनके तीन बार के कार्यकाल में उनकी 100 दिन की उपस्थिति इस क्षेत्र में भी नहीं रही होगी। अरे दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सांसद निधि के रूप में पैसा आता है, ये हमारे दुर्भाग्य की हमारी सांसद महोदया उस पैसे को भी यहाँ से लैप्स करवा के वापस कर देती है। जिस पैसे से यहाँ के अस्पतालों की व्यवस्था सुधर सकती थी, शिक्षा की व्यवस्था सुधर सकती थी, यहाँ सड़कों की व्यवस्था सुधर सकती थी, यहाँ के युवाओं को कहीं स्वरोजगार की व्यवस्था हो सकती थी, उस पैसे को इस सांसद निधि के माध्यम से वो वापस भेजने का काम करती है, तो हम कहते हैं कि ऐसी सांसद हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे बीच रहने वाले लोग जो अनेकों मुद्दों को प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे बीच से आगे जाना पड़ेगा। आपकी बात बोल कहेंगी सरकार बोर्ड के बदला अपनी बार बहुत पवार और भाई आप जो ओपीएस पे बात करेगा, हाँ। जो पुरानी पेंशन पे बात करेगा, हाँ। अच्छा जी बहुत